उधम सिंह नगर जनपद की नेपाल सीमा से लगे मुख्यमंत्री की खटीमा विधानसभा में गांव नगरा तराई को जाने वाली मेलाघाट रोड पर गड्ढों को भरने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा जगह जगह पर बजरी डाली गई थी। सड़क किनारे डाली गई बजरी आए दिन आम जनता के लिए दुर्घटनाओं का सबब बनती जा रही है। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा बजरी के ऊपर लाल झंडी नहीं लगाई गई, जिसके चलते दो दिन के भीतर एक दर्जन से ज्यादा लोग बजरी में घुसने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गए। वहीं कल रात को झनकैया थाने के सिपाही मुबारक अली बजरी में फिसलने के कारण बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका हाथ टूटने के कारण उन्हें हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। खटीमा से मनोज हलदार की रिपोर्ट। वन्य क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग एक दर्जन लोग इससे घायल हो चुके हैं। कल एक पुलिसकर्मी जो कि ड्यूटी के दौरान थाने जा रहे थे, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। एक साल में यह तीसरी बार रिपेयरिंग का काम चल रहा है इस रोड में, जिसमें ठेकेदार की लापरवाही है, जिसने की बजरी बीच रोड में डाल दी। इसको रिपेयर करने के लिए लगभग पेड़ों से 15 फीट की जगह थी, उस खाली स्थान पर इस बजरी को डाला जाता, जिससे कि लोगों के साथ यह दुर्घटना नहीं होती। ये पीडब्ल्यूडी विभाग की और ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही है। उसमें जो है आगे को हमने सभी एईओ और जेईओ को भी इस संबंध में जो है आदेशित कर दिया गया और कॉन्ट्रेक्टर को भी कहा गया है कि जो है एक तो उसमें उन स्थानों पर झंडियां लगा के रखें और मेटेरियल को जो है रास्ते से बाहर रखें, तो उसको निर्देशित कर दिया गया है। तो आगे इस तरह की दुर्घटना या होने की संभावना कम है।